20 में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने टीवी न्यूज चैनल में पारिवारिक और निजी मामलों को दिखाए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि आधुनिक लैला मजनूओं की खबरें दिखाने से देश में कन्या भ्रूण हत्या बढ़ेगी। भार्गव ने कई ट्वीट किए जिनमें बिना किसी चैनल का नाम लिए कहा कि सोशल मीडिया और कथित राष्ट्रीय समाचार चैनल आरपी बढ़ाने और रुपए कमाने की लालसा से एक आधुनिक लैला मजनू को दिखा रहे हैं, उनके दुखी पिता और परिवार का मजाक बना रहे हैं। इस तरह की खबरों से कन्या भ्रूण हत्या की घटना बढ़ेगी। भाजपा स्पष्ट करे कि वो भार्गव के विचार से सहमत है या नहीं। सलूजा। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने गोपाल भार्गव द्वारा ट्वीट के द्वारा जारी अपनी सोच व विचार को प्रगतिवादी सोच से परे फासिस्ट व संकीर्ण विचारधारा के पोषक बताते हुए कहा कि उनकी यह सोच व विचार बेहद निंदनीय है। वर्षों तक मंत्री रहे और अब नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठे गोपाल भार्गव की सोच मोदी के नए भारत के निर्माण के खोखलेपन की ही अभिव्यक्ति है। सलूजा ने कहा कि युवाओं के वोट तो भाजपा को चाहिए, लेकिन वे उन्हें उसे काल में ले जाने को मजबूर कर रहे हैं, जहां कुरीतियों से जकड़ा समाज हर स्तर पर प्रगति में बाधक था। यह तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक है। लंबे संघर्ष के बाद जब हम एक विकसित सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहां ऐसी संकीर्ण सोच व विचारधारा उसमें बाधक बन रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या का समर्थन करके उन्होंने जताया कि 15 साल में उनकी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सिर्फ ढकोसला था। यह बयान कन्या भ्रूण हत्या के गोरख धंधे को बढ़ावा देने वाला है। भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि वो गोपाल भार्गव के इस विचार के साथ सहमत है या नहीं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।